देश की आज़ादी के इस पर्व पर विश्व भर में फैले हुए भारतीय भाइयों और बहनों को आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पावन पर्व पर भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाले उन वीर शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए जीना, देश के लिए मरना पसंद किया। उन सबको प्रणाम करने का यह अवसर है। भारत की आज़ादी के जंग को नई शक्ति प्रदान करने वाले, अपने जीवन को आहुत करने वाले सभी वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ। आज़ादी के पहले का वक्त था देश के लिए मरना, आज़ादी के बाद का वक्त है देश के लिए जीना। अगर हम सब भारतीय ये संकल्प कर सकते हैं हम जिएंगे देश के लिए, कुछ करेंगे देशवासियों के लिए, कुछ कर दिखाएंगे मानव जात के लिए, आइए इस संकल्प के साथ आज़ादी के इस पर्व को विश्व गुरु बनाने का जो अपना सर्व सपना है भारत को, उस सपना को पूर्ण करने के लिए कुछ कदम हम भी चलें, कुछ कदम हम सब मिल के चलें। जो सपने शहीदों ने संजोए थे, जो सपने महापुरुषों ने संजोए थे, उन सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य हम जुटाएं, एक बन करके, नेक बन करके, नई शक्ति के साथ चल पड़े। गुजरात प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। भारत को समृद्ध बनाने के लिए, गुजरात को समृद्ध बनाने का हमने प्रयास प्रारंभ किया है। भारत को सुखी बनाने के लिए, गुजरात को सुखी बनाने का हमने प्रयास किया है। यह प्रयास रंग ला रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आज गुजरात के विकास की चर्चा है, गुजरात की प्रगति की चर्चा है, लेकिन ये प्रगति देश के लिए काम आएगी, यह विकास देशवासियों के लिए काम आएगा, यह विकास एक प्रकार से उन हुतात्माओं को हमारी श्रद्धांजलि है। सुखी गुजरात, समृद्ध गुजरात, आधुनिक गुजरात, वैभवशाली गुजरात, यही मेरे हुतात्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि है।